कोई किधर सर अरेस्ट कर दिया। सर आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे गांव में आज तक ये हरकत हुई नहीं ना, होना चाहिए, होना चाहिए, सब मिलजुल के रहते, होना ही नहीं। पूरे देश का जो माहौल खराब है अपने गांव का नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय रात के 1:30 बज रहे हैं, वसई पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर काफ़ी गर्दी आपको दिखाई देगी, काफ़ी भीड़ भाड़ है। दरअसल मामला यहाँ हाल ही में 2 दिन पहले से कुछ सामने आया है, उसको लेकर ये लोग संतप्त है। और वसई बार काउंसिल के एक जो वकील है, उन्होंने कुछ ऐसा वक्तव्य दिया व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐसे कुछ बयानात उन्होंने दिए जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ है, और वो दिखाने या सुनाने या बताने के काबिल है ही नहीं। इतने गंदे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सरफराज, उसको लेकर ये पब्लिक है, मुस्लिम समाज पूरा नाराज है। और नाराजगी जाहिर करते हुए इन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये यहाँ हाजिर हुए। तो वकील का नाम भी बताऊँगा। हालाँकि उनके ऊपर मामला पहले से दर्ज हो चुका है, FIR हो चुकी है, और वो उन्होंने अंतरिम बेल भी ले लिए, ऐसी जानकारी सामने आई है। अब ये इसके बाद में DCP साहब भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ निवेदन दिया जा रहा है, और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बारे में कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि इसमें कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी ओर से क्या करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वसई विरार में आज दिन तक कभी इस तरह से माहौल हुआ नहीं है, लेकिन अब ये माहौल क्यों हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। बात करने वाला अगर कोई आम साधारण आदमी हो जो पढ़ा लिखा न हो तब अलग मायने होते हैं, लेकिन जो कोई पढ़े लिखे ऊंचे पद पर हो और इस तरह से अगर वक्तव्य करते हो तो उसके लिए क्या कहा जाए, कोई शब्द ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वसई से सब आप गुस्सा हुआ बराबर है। कल सिर्फ हमें जब भी पता चला ये मानिकपुर में कि ऐसा ऐसा हुआ है, KGF के कुछ लोग आए थे, KGF का ग्रुप है, 2 या 3 लोग आने के बाद भी हमने FIR लिखी। ऐसा नहीं कि 100 लोग आना ही आने के बाद ही हम FIR लिखते। आपके कुछ दोस्त लोग वकील लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात हुई। एक घटना के बारे में 2, 3, 4 FIR नहीं हो सकती, वो सब एक ही घटना है। आप सबका अभी हमने निवेदन बना दिया है, आप सबका निवेदन बनाइए। मैंने वकील साहब से भी बात की है कि अभी केस बना है तो एविडेंस कलेक्ट करना है। आप सब जानते हैं व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, डिलीट कर दिया तो एविडेंस जाता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जो दूसरे लोग हैं वो हम आपके जो दोस्त लोग वकील लोग हैं उन्होंने बोला है कि ग्रुप में जो लोग हैं वो सब सामने आएंगे, व्हाट्सएप दिखाएंगे, तो वो टाइम मैसेज वो सब स्क्रीनशॉट लेके वो अपना पुरावा बन जाएगा। तो मेरी सबको आप सब गुस्सा हो, उनके घर पे गए, गाड़ी का तोड़फोड़ किया, अभी क्या होता है कि आपका गुस्सा ऐसे निकल गया बराबर है, तो क्या होता है कानून हाथ में लेने जैसा हो गया बराबर है। तो कानून हाथ में लेने के बाद कानून को अपना काम तो करना चाहिए। कल तो मानिकपुर में केस बना है, उसका एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ ये भी होगा, चार्जशीट भी होगा स्ट्रांगली, और आपके वकील जो लोग हैं वो भी हमारे सामने आएंगे विटनेस बन के, उनके भी हम स्टेटमेंट लेने वाले हैं। तो हमने एक अभी सभी लोगों से डिस्कस करके एक निवेदन बनाया है, आप सब वहाँ पे साइन कीजिए, वो भी केस में लगेगा और आपको भी विटनेस बनाया जाएगा। और खामोशी से अपने घर पे जाओ, कोई किधर सर अरेस्ट कर उसको सर आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे गांव में आज तक ये हरकत हुई नहीं है, ना होना चाहिए, होना चाहिए, सब मिलजुल के रहते, होना ही नहीं। पूरे देश का जो माहौल खराब है अपने गांव का नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही बोलना। देखो जो FIR में ना, FIR के बाद है ना लॉ एंड ऑर्डर में इंट्रीम बेल मिलती है,
जो उसे मिल चुकी है। हाँ। अभी अपन भैया पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे फाइनल बेल के लिए उसके रिजेक्शन के लिए आप कोशिश करो और कोर्ट में अपने लोग हैं जो इसके ऊपर काम करके उसकी बेल रिजेक्ट कराएंगे और फिर डीसीपी साहब को लेके उसको अरेस्ट करो। ये प्रोसीजर है सर। ये कितने टाइम का प्रोसीजर है? नहीं नहीं, अभी जैसे इन्होंने कहा ना कि हम, ये कितने टाइम का प्रोसीजर है? बोलने से इन्होंने कहा ना कि हम लोग सबको साथ में, ये घटना कभी हुई नहीं है वसई विरार में, आगे इंशाल्लाह होंगी भी नहीं, उसके लिए हम लोग सब साथ दे रहे हैं कि इतने साल से वो इधर रहते हैं, आप करने का कोशिश कर रहे हैं। आज सर ने सर जो निवेदन है उन्होंने लिया है, कल के ऊपर जो भी रहेगा हम लोग के सब लॉयर्स अपने साथ में ही है, जो भी है अपन कल तक जो अपने को फाइनल ले लेता और सिग्नेचर्स कर दो, साइन कर दो, बच्चन ने बेल भी ले लिया है। हां हां, उसको हाजिर मैं ले लेता हूं। देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर उससे ही चलना पड़ेगा, इंटरिम बेल में उसको हाजिर, इंटरिम बेल भी हो जाएगी ये है। उसमें साहब ने अभी जैसे बोला भैया तो वो बेल को रिजेक्ट करने का नहीं है। हां, अभी नेक्स्ट डेट है ना, तो बेल रिजेक्ट करने के लिए। सर क्या मामला है? कल मणिपुर पुलिस स्टेशन में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गुनाह रजिस्टर हुआ था, उसके बारे में आज कुछ लोग आए थे वसई पुलिस स्टेशन, तो उनका निवेदन लिया गया है, उनका निवेदन भी वो गुने में ऐड होगा और जो निवेदन में साइन किए वो लोग विटनेस बन जाएंगे और गुने का तपास करके उसमें चार्जशीट हो जाएगा। सर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है अभी? अभी सिचुएशन नॉर्मल है, सब लोगों ने अपना जातीय सलोह का कायम बरकरार रखना चाहिए। जो आरोपी से गलती हुआ है उसके खिलाफ तो कानून एक्शन लेगा, लोगों ने सिर्फ अपना माहौल इस तरह कारण नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। सर आप अपनी तरफ से कुछ आह्वान करना चाहेंगे? वही है कि वसई का परिसर अपने सभी धर्मों का, सभी जातियों का एक अच्छा माहौल बना है, ऐसे घटना से माहौल खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा ही मैं आह्वान करता हूँ। रात के समय में आज पुलिस स्टेशन में लोग जमा हो, क्या विषय है? एक्चुअली विषय ऐसा है कि हमारे जो नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में एक वकील है जिनका नाम मैंने सुना ओझा, जो पिछले कई सालों से वसई में रहते हैं, बट उन्होंने हमारे नबी के बारे में उनके शान में गुस्ताखी की है और उसी के वजह से यहाँ के हमारे यहाँ के जितने भी तमाम लोग हैं, शाहिद भाई हो गए, हमीद भाई, जितने भी यहाँ पर हम लोग सबकी जो भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुँचाया उनके खिलाफ हम लोग पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आए और यहाँ पर उनके ऊपर जो FIR हुई थी उसके बारे में आगे क्या है, क्या प्रोसीजर है वो करने के लिए यहाँ पर आज हम लोग पहुँचे। ऐसा क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखो अभी ऐसा है कि ये सब चीज़ें ऑफिस से बोलने की नहीं है, जो उन्होंने लिखा है वो अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकता और अगर एक बार ऑफिस बोल दिया तो कड़े हैं। हाँ, इसलिए हम लोग को वो सब चीज़ें अभी नहीं बोलनी है, जो हो गया है हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के पास में अभी रिक्वेस्ट की है, तो अभी वो हम लोग को कल तक जो जवाब देंगे उसको पता चलेगा आगे क्या हम लोग प्रोसीजर करेंगे। अब तक की पुलिस की कार्यवाही से क्या आप संतुष्ट हैं? उनको अभी फिलहाल तो इंटरिम बेल मिली है, तो हम लोग अभी पाटिल साहब से यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग कल सुबह, अभी एप्लीकेशन लिख के तो सबने एप्लीकेशन दिया है, कल सुबह 11 बजे तक हम लोग को उसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। सर क्या विषय है आज? आज तो विषय ये है कि एक जो वरिष्ठ वकील है ओझा, और उसको वरिष्ठ बोलना नहीं चाहिए, उसने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया हुआ है और कम से कम 30-35 साल का उसका तजुर्बा है, तो उसने ये जो एकदम घिनौनी हरकत किया है वो उसको ये हरकत तो करना ही नहीं चाहिए, या किसी की भी मज़हब के बारे में, हमारे या किसी भी मज़हब के बारे में उनको बोलना नहीं चाहिए। उसने हमारे पैगंबर के बारे में ऐसी ऐसी बात किया है जो हम लोग बोल नहीं सकते, हमको बोलने के लिए, हम लोग हमारे जवाब से आने के लिए हमको शर्म आती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इतना वरिष्ठ जो वकील है तो उसको ये हरकतें करना ही नहीं चाहिए। और सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वर्कशॉप है और व्हाट्सएप में कोई मैसेज है तो मैसेज को आगे मत भेजो, मैसेज को डिलीट कर दो। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं उस सिलसिले में उसकी कंप्लेंट करने, उसके FIR करने के लिए आए हैं। हम लोग हमारे सब मोहल्ले के बच्चे लोग हैं, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।